हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं बायोलॉजी को, जो कि जिसमें हम लोग कवर कर रहे थे दोस्तों एनसीईआरटी की बुक को। ठीक है, तो एनसीईआरटी मैंने बताया था कि किस तरीके से आप एनसीईआरटी के बुक को डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन पे जाके, तो वो वीडियो मैंने बना के डाला था। उम्मीद करता हूँ कि आप डाउनलोड भी कर लिए होंगे, अगर ना डाउनलोड किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से डिटेल में हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं वो पढ़ते चलेंगे। और इस समय दोस्तों हम लोग क्लास 8th के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और इसके पहले हम लोगों ने क्लास 6th और 7th में जितने भी चैप्टर थे एनसीईआरटी में ज्योग्राफी से संबंधित, उन दोनों क्लासों में उन चीज़ों को हमने समाप्त कर दिया। अब हम लोग क्लास 8 की तरफ बढ़े हैं, और आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा सा स्पीड में ही देखने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, यह दो लोगों के बीच में, दो लोगों नहीं एक्चुअली दो बच्चों की कहानियां बता रहा है कि वो किस जगह पे बिलोंग करते हैं। उसके बाद एक कंपेयर करेगा और बताएगा कि वाकई में दोनों बच्चे जहाँ जहाँ रहते हैं उनके उस स्थान की जो भूमि है, जो जलवायु है, जो मौसम है, आखिर उसमें इतना परिवर्तन कैसे। ठीक है, तो इसी बात पे कहानी हमारे सामने आ रही है। देखिए, बात कर रहा हूँ तंजानिया की। तंजानिया जो देश है दोस्तों, ये अफ्रीका में है। ठीक है, तंजानिया के एक छोटे से गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे दूर, बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। दोस्तों, इस कहानी सुनते वक्त आप इमेजिन करिए कि वो कैसा जगह होगा। अगर मांबा पानी के लिए बहुत दूर जाती है, मतलब कि जो जल के स्रोत हैं उसके गांव के आसपास अवेलेबल नहीं है, काफ़ी दूर होंगे। जैसे हमारे पास पानी की सुविधा है, जब चाहते हैं टोटी चालू किया, नल चालू किया, पानी आ गया, पानी पी लिया। मांबा के यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है, तभी तो मांबा दूर जा रही है पानी लेने, और जब वो आ रही है तो अपनी माँ के साथ हाथ बटा रही है। चलो, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद अपने भाई की बकरियों की देखभाल करती है, मतलब कि पढ़ाई लिखाई से थोड़ा दूर का वास्ता उसका है। ठीक है, बहुत दूर दूर का वास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की काम होता तो आके माँ का हाथ बटाने के बाद जो है काम करने के बाद फिर पढ़ाई लिखाई पे बात आती, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो एक माहौल को आप समझने की कोशिश करिए। वो अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है, मतलब ये लोग पहाड़ी एरिया के आसपास में रहते हैं। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेमी उगा पाते हैं। बहुत मेहनत बेचारे करते हैं, लेकिन उतने में उनका क्या काम हो पाता है, केवल मक्का और सेब, यही दो चीज़ उगा पाते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के लिए साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। कैसे कोई आदमी मक्का और सेब में पूरा जीवन बिता लेगा, नहीं बिता सकता। वहीं दूसरे बच्चे की बात कर रहा है पीटर, जो कि न्यूजीलैंड में रहता है। न्यूजीलैंड देख रहे हैं ना आप, ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे वाले हिस्से में। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ पे भेड़ पालन होता है। ठीक है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। उसकी फैमिली क्या करता है, ऊन से जो मतलब कि जानवरों से खाल वो निकाल करके जो ऊन बनाते हैं, खाल नहीं निकालते हैं यार, ठीक है, जिंदा उनके शरीर पर जो बाल होते हैं उनको काट करके उनको तमाम प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिससे ऊन बनता है। ठीक है, तो ऊन का कारखाना चलाते हैं। प्रतिदिन जब वो स्कूल से लौटता है, पीटर अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। ठीक है, यहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है, मतलब भरपूर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियाँ भी उगाता है। ठीक है, यानी जो मांबा थी और जो पीटर था, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा था। मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, कहीं कहीं तो मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी, प्रौद्योगिकी, इन सभी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। मतलब हम केवल यह नहीं कह सकते कि वहाँ पे खाली भूमि अलग है, नहीं, भूमि के साथ साथ वहाँ का पर्यावरण अलग है, वहाँ की मृदा में भिन्नता है, जल में भिन्नता है, प्राकृतिक वनस्पतियों में भिन्नता है। भाई, वो बकरियाँ चराने जा रहा था, वहाँ पे घास के मैदान नहीं थे, तंजानिया में घास के मैदान नहीं थे, लेकिन न्यूजीलैंड में घास के मैदान थे। तो वनस्पतियों का भी अंतर है, प्राणियों का भी अंतर है, वहाँ पे बकरियाँ थी, यहाँ पे भेड़ हैं। प्रौद्योगिकी का भी अंतर है, वो लोग टेक्नोलॉजी का कोई इस्तेमाल करना नहीं जानते, लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैविक विधि से खेती करते हैं, और जबकि उनसे ज़्यादा मेहनत मांबा के पिता करते हैं, उसके बाद ही केवल मक्का और सेम उगा पाते हैं।
तो बहुत सारी चीज़ों में भिन्नता देखने को मिलती है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का जो मुख्य कारण है वो संसाधनों की उपलब्धता है, यानी पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संसाधन जो है अवेलेबल हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि के केवल 30% हिस्से पर रहती है। अगर पूरा भूमि को हम 30% मान लें, मतलब पूरा विश्व केवल 30% भूमि पर है, ठीक है भाई, बाकी तो पानी है ना, तो भाई अरे ऐसे समझो 2/3 पे जल है, तो 1/3 पे तो भूमि है, स्थल है, तो इस 1/3 पे जो 90% जनसंख्या रहती है, सोचो, ठीक है, ऐसे नहीं गड़बड़ हो गया वहाँ पे। तो जितना भी भूमि है जैसे 1/3 जो भूमि है उस 1/3 का 30% कर दो, उस पे 90% जनसंख्या रहती है, ठीक है। शेष 70% जनसंख्या या तो विरल है या तो निर्जन है, मतलब 70% खाली है, 30% पे हम लोग रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे ये मैं बता रहा हूँ। अगर हम यहाँ बात भूमि की करें दोस्तों, तो याद रखिए सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है, वो भी हमारा प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग क्या है, भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भूमि और जलवायु है के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। कहीं ऊबड़ खाबड़ जमीन है, कैसे कोई रहेगा, कहीं पे स्थलाकृतियाँ ऊंची ऊट पटांग टाइप की है, कैसे कोई रहेगा, कहीं पे पर्वतों के तीव्र ढाल है, कैसे कोई रहेगा, कहीं पे जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र है, कैसे कोई रहेगा, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं मरुस्थल है, कैसे कोई रहेगा, कहीं सघन वन क्षेत्र है जहाँ जानवरों का खतरा है, कैसे कोई रहेगा। तो हमारे इस स्थलखंड पे ये सब भी चीज़ें तो है। आप ट्रेन से जब सफ़र करते हो कभी मुंबई जाओ, रास्ते में कितना जगह आपको खाली मिलता है, तो आपको क्या लगता है हर जगह पर हर कोई रह सकता है, जहाँ पे उबड़ खाबड़ ज़मीन है, जहाँ पे उपजाऊ ज़मीनें नहीं, आखिर वहाँ रह के लोग करेंगे क्या। तो इस वजह से उतनी ज़मीन जो है खाली है। हमें रहने के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, हमें व्यक्तियों को मनुष्यों को रहने के लिए उर्वर मैदानों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे मैदान जहाँ उर्वरता हो, नदी घाटियाँ हो ताकि पानी की उपलब्धता हो, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो। ये सब स्थान जहाँ होते हैं वो विश्व के सघन बसे स्थान हैं, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। भूमि के उपयोग की अगर हम बात करें, तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, सड़कों के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए, बहुत सारा काम होता है, इसे भूमि का उपयोग कहते हैं, है कि नहीं। ये जो फिगर दिखा रहा दोस्तों, ये देख रहे हैं एक नदी घाटी यहाँ से गुजर रही, देखिए, और ये सर्पिला काराकार में जा रही है, ठीक है। तो ये नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों में देखो कितने लोग हैं, देखो, देख रहे हो, ताकि इनको जल की भी उपलब्धता है और प्लेन ज़मीन होने की वजह से यहाँ आराम से वो खेती का कार्य वगैरह कर सकते हैं। ये सीन है ऑस्ट्रिया में साल्जबर्ग, ऑस्ट्रिया है, ठीक ना, ऑस्ट्रिया में साल्जबर्ग का ये फिगर आप देख रहे हो। चलिए आगे देखते हैं, आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची भी बना सकते हैं कि वे अपने अपने जगह पर भूमि का उपयोग किस तरीके से करते हैं, उसकी जगह आप होते तो आप उस भूमि का उपयोग कैसे करते हैं। देखिए, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो आपको पर्वतीय क्षेत्र दे दूँ, बोल दूँ वहाँ उद्योग लगाओ, कैसे लगाओगे, जब उबड़ खाबड़ ज़मीन है, जहाँ तीव्र ढाल है, कैसे उद्योग लगा दोगे, उसके लिए तो प्लेन जगह चाहिए, है कि नहीं। तो भूमि का जो उपयोग है वो मुख्यतः किस पर डिपेंड करता है, जो भौतिक कारक है उस पर निर्धारित होता है। स्थलाकृतियाँ, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता, इन सब चीज़ों को देख करके हम भूमि का इस्तेमाल करते हैं। भूमि तो बहुत जगह खाली है लेकिन वहाँ कुछ न कुछ चीज़ों का अभाव है, यदि उन चीज़ों का अभाव रहेगा तो वहाँ व्यक्ति निवास नहीं कर सकता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं, मतलब कि अगर वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसी जगह जहाँ टेक्नोलॉजी, जैसे मैं मुंबई की बात कर दूँ तो मुंबई चारों तरफ से टापुओं, 7 टापुओं से घिरा हुआ, उसके बाद भी वहाँ लोग रहते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुकी है, तो उस टेक्नोलॉजी के कारण, हालांकि अगल बगल जो जल है उसकी उपलब्धता कम है, मुंबई में चले जाओ पानी की कमी है कि नहीं, है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ जनसंख्या और प्रौद्योगिकी की वजह से वो भूमि का उपयोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। भूमि को 2 कैटेगरी में बांट भी सकते हो, निजी भूमि हो गया, सामुदायिक भूमि हो गया। निजी भूमि सामुदायिक भूमि के आधार पर भूमि को बांटा जा सकता है। निजी भूमि पर जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वामित्व होता है, जबकि सामुदायिक भूमि पर पूरे के पूरे समुदाय का स्वामित्व होता है, पूरा का पूरा गांव का, अरे गांव में बोलते हैं ना गांव समाजी ज़मीन है,
तो पूरे गांव का अधिकार उस पर होता है। उस पर सामान्य रूप से उसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे एक साथ वहाँ पे चारा लगा दिया जिसमें सब लोगों के भेड़ बकरी गाय भैंस जाकर चर रहे हैं, फल लगा दिया सभी के लिए, नट हो गया, औषधि बूटियों हो गया, तो बहुत सारे काम होते हैं वहाँ पे। इन सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। क्या बोला जाता है? साझा संपत्ति संसाधन। चलो, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। भाई जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रहा है, बढ़बे करेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन भूमि की उपलब्धता तो सीमित है ना, ये भूमि तो नहीं बढ़ जाएगी ना, जनसंख्या चाहे कितनी भी हो जाए। 2018 की बात मत करो, 3018 की बात करो, 100 साल बाद भी जनसंख्या देखोगे तो बहुत बढ़ चुकी होगी, लेकिन क्या जो भूमि है उसको भी आप बढ़ा लोगे? उसको तो नहीं बढ़ा पाओगे ना। उसकी उपलब्धता क्या है? सीमित है, उतने में ही आप लोगों को रहना है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। मतलब कि प्रकृति में अनाधिकृत हस्तक्षेप, जितना उनके लिए हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं उससे भी ज़्यादा हस्तक्षेप ये लोग कर रहे हैं। कौन? मनुष्य। आज भूमि उपयोग के प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाता है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बन चुका है। दोस्तों एक फिगर मैं दिखा रहा हूँ, उस फिगर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ज़माना था जब भूमि की दशा कुछ इस तरीके से थी कि चारों तरफ प्रकृति थी और व्यक्ति अपने आवश्यकता अनुसार जब कम जनसंख्या थी तो एक दो चार झोपड़पट्टी दूर 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 बना लिया करता था। पेड़ पौधे पशु पक्षी सब कुछ अवेलेबल थे। फिर व्यक्तियों ने क्या किया, ये जो आप पेड़ पौधे देख रहे हो इनको काट दिया और इसके जगह पे अपना और घर बनाने लगे, बिजली के खंभे लगने लगे, ठीक है। थोड़ा और समय बदला, देख रहे हैं रोड चौड़ा हो गया, ये मकान हटा दिया गया, अगल बगल जो हरियाली थी सब गायब हो गई, ये अब इस तरह से घर आ गए झोपड़पट्टी से हट के। थोड़ा सा और विकास हुआ, पीछे के पेड़ पौधे और काट दिए गए, इधर के जो उपजाऊ ज़मीन थी वो हटा दिया गया, अब तो स्ट्रीट लाइट ज़रूरी हो गया था गाड़ी घोड़ा को चलने के लिए, ये ज़रूरी हो गया था ये इंफ्रास्ट्रक्चर। थोड़ा सा और हाईटेक मॉडल आया, पूरे का पूरा एक एक पेड़ काट दिया गया। पेड़ों की क्या क्या आवश्यकता, हमको तो स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है, हम तो उसी से ऑक्सीजन मिलेगा हमको, हमको तो बड़े बड़े बिल्डिंगों से ऑक्सीजन मिलेगा, पेड़ से थोड़े मिलेगा। तो व्यक्तियों ने ये जो संहार किया है प्रकृति का, तो प्रकृति भी उनका संहार करती है समय समय पर। मैं आपको पहले भी इस चीज़ पर आगाह कर चुका हूँ, ठीक है। पिछली क्लासों में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा इस मैटर पर। भूमि संसाधन का संरक्षण, हमें अधिक से अधिक जो हमारे भूमि संसाधन है उनका संरक्षण करना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य रोकना चाहिए। कैसे रोकेंगे? वनारोपण करिए, वन लगाइए, भूमि उद्धार करिए, जो रासायनिक और हानिकारक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं वो कम कर दीजिए, जो उर्वरकों का विनियमित उपयोग करते हैं उसको कम करिए, जो अतिचारण हम लोग करते हैं उस पर रोक लगाइए, तब जाके भूमि संरक्षण हो पाएगा। अगर भूमि संरक्षण नहीं किया गया तो बहुत ही बड़ी घटना का सामना हमें करना पड़ेगा। वो घटना क्या है? भूस्खलन। भूस्खलन, आइए इसके बारे में कुछ सीखते हैं। भूस्खलन होता क्या है? भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल या मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। कहा जाता है कि जब पहाड़ों से एक बड़ा मलबा का रूप क्या होता है, खिसक के हट जाता है वहाँ से और नीचे की तरफ गिर जाता है जहाँ बस्तियाँ होती, मानवीय बस्तियाँ, उनको भूस्खलन बोला जाता है। बात मानवीय बस्तियों पर गिरने की नहीं है, बात है कि पहाड़ी भाई ऐसे ढलान है, अब टूट फूट होता रहता है। मान लो इतना मिट्टी क्या हुआ, खिसक गया, और बाद में क्या हुआ, ये ऊपर का भी टूट के गिर गया और पहाड़ अब इतना बचा, तो ये तो गायब हो गया यहाँ से, तो यही क्या है, भूस्खलन है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। इस तरह की क्रिया क्यों होती है? मान लो पहाड़ों पे भूकंप आया तो इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, या बहुत भयंकर बारिश हुआ तो हो सकता है, या ज्वालामुखी फटा तो हो सकता है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। मान लो कि इस तरह से एक पर्वत था, यहाँ से कोई नदी निकल रही थी, अब ऊपर का हिस्सा यहाँ से एक बड़ा खंड का टुकड़ा गिरकर यहाँ आ गया और इस जल के प्रवाह को रोक दिया तो पानी यहाँ जमा होना शुरू हो जाएगा। पानी के प्रेशर से जब पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे भर जाएगा तो पानी के प्रेशर से ये खसक जाएगा और पूरा का जल जो पूरा जल रुका होगा वो प्रवाह एक साथ फूट पड़ेगा
और नदी की अवरुद्धता जब अचानक फूट पड़ेगी तो निचली घाटियों में जो आवास क्षेत्र हैं वो क्या आ जाएंगे, वहाँ पर विध्वंस आ जाएगा। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, हर जगह देखा जाता है, जो प्रायः जीवन और संपत्ति दोनों को आघात पहुंचाती है। एक प्रमुख चिंता का विषय है। ये चिंता लाया किसने है? मानव ने तो लाया है कि किसी और ने लाया है? एक वस्तु स्थिति का अध्ययन करा रहा हूँ आपको, ठीक है, एक वस्तु स्थिति का अध्ययन। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एक जिला है किन्नौर जिला। किन्नौर में मैं रेकांगपियो की बात कर रहा हूँ, जगह का नाम है रेकांगपियो। हिमाचल के किन्नौर जिले में रेकांगपियो के निकट एक गांव था पंजी गांव, हालांकि अब वो खाली करा दिया गया पूरी तरह से। पंजी गांव में एक बड़ा भूस्खलन हुआ, उसके कारण जो राष्ट्रीय राजमार्ग था हमारा 22, वो जो है पुरानी हिंदुस्तान और तिब्बत का सड़क था, उसका 200 मीटर का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन के द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण यहां का ढाल या कमजोर क्षेत्र जो था वो नीचे की तरफ गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्रों की क्षति पहुंची। पंजी गांव को संभावित मानव विसास से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था, हालांकि अब वहां लोग जाके बसने लगे हैं। तो ये स्थिति, इसके न्यूनीकरण की क्रियाविधि क्या हो सकती है? हमको इस पर रोक लगाने के विचार करने चाहिए, और हम इस पर रोक भी लगाते हैं। रोक कैसे लगाते हैं? हम लोग का जो वैज्ञानिक विधि वो क्या है कि वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हो सकते हैं और हमें इन पर कैसे मैनेज करना चाहिए। भूस्खलन को रोकने के लिए कुछ निम्न विधियाँ हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना चाहिए। सबसे पहले एक मैपिंग में आप इंडिकेट करो कि कहाँ कहाँ भूस्खलन का प्रभावी क्षेत्र है। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। तो जहाँ जहाँ टिक किए हो, ठीक है, जहाँ जहाँ टिक किए हो कि यहाँ भूस्खलन हो सकता है, वहाँ आवास नहीं बनना है, बाकी के जगहों पर आवास बना सकते हो। भूमि को खिसकाने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवारों का निर्माण, आप जाओगे जैसे मुंबई से गोवा जब जाओगे, तो मैं तो गया हूँ, जहाँ गया हूँ वहाँ बता रहा हूँ आपको, तो आप देखोगे कि खूब ऊँची ऊँची पहाड़ियों को काट करके यहाँ रोड बनाया गया है। तो अभी डर होता है कि इस पहाड़ी से कुछ यहाँ गिरे ना, तो यातायात क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पे जाली लगा दी गई है। क्या लगा दिया गया? जाली, पूरा पहाड़ को जाली नुमा जो है लोहे की जालियाँ उससे जो है ढक दिया गया है। कई जगहों पर मैंने देखा कि कुछ इस तरह की पेंटिंग होती है इनकी, तारकोल वगैरह की, जिससे क्या होता है पूरी मिट्टी बध जाती है। जैसे रोड पर जो तारकोल पड़ा होता है ना, तो वो उस तरह के चीज़ों का इस पर छिड़काव करते हैं कि पूरी मिट्टी को बांधे रखता है, टूटने नहीं देता है। तो कई सारे प्रयास किए, कई जगह तो पूरा का पूरा दीवार ही खड़ा कर दिया गया, ठीक है, ताकि भूस्खलन से इसको रोका जा सके, ठीक है। सतही अपवाह या झरना अपवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण का उपाय कार्यान्वित किया गया। तो बहुत सारा काम हो रहा है। अब पक्ष देखिए, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों प्राणियों और मनुष्यों द्वारा अनावरित सेलों का टूटना या क्षय होना, यह क्या कहलाता है? अपक्षय। अगर कहीं पे अपक्षय वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो अपक्षय मीन्स क्या होता है? सीधे फीधे याद रखो यार एक लाइन की बात, अपक्षय माने सेलों का टूटना। जो पहाड़ हैं वो टूट रहे हैं, किसकी वजह से टूट रहे हैं? चाहे टेम्परेचर परिवर्तन की वजह से टूट रहे हैं, चाहे तुषार क्रिया मौसमी परिवर्तन का टूट रहे हैं, पौधों की वजह से, प्राणियों की वजह से, मनुष्यों की वजह से, किसी वजह से टूट रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका अपक्षय कहलाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, अब आज हम पढ़ने चलते हैं मृदा के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की जो पतली परत दिखती है हमें सबसे ऊपर, उसको मृदा बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है, स्थल रूप मृदा के प्रकारों को निर्धारित करते हैं। मृदा निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। कैसे होता है मृदा का निर्माण? याद रखो, जो चट्टानों से खनिज मिले हैं, जैव पदार्थ मिले हैं और भूमि पर पाए जाने वाले जो खनिज है, इन्हीं से मिलकर मृदा बनता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। वो जो चट्टान धीरे धीरे टूट रहा था, अपक्षय की क्रिया से क्या बनती है? मृदा बनती है। खनिजों और जैव संसाधन, ये दो शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण ही मृदा को उपजाऊ बनाता है। अगर खनिज और जैव पदार्थ इनका मिश्रण सही है तो जान लो मृदा क्या होगी? उपजाऊ। ये किस फिगर के रूप में आपको दिखा रहा है, देखिए, जो मृदा का सबसे ऊपरी परत होता है जिसपे वनस्पतियाँ उगी होती हैं, इसमें ह्यूमस पाया जाता है, और किसी भी वनस्पति को उगने के लिए ह्यूमस बहुत ज़रूरी होता है। ह्यूमस माने उपजाऊपन, ह्यूमस माने उपजाऊपन। तो बंजर भूमि में ह्यूमस होगा क्या? कभी नहीं होगा, ठीक है। ह्यूमस और वनस्पतियों के साथ ऊपरी मृदाएँ होती है, उसके नीचे आप और अगर मिट्टी खुदाई करेंगे तो आपको बालू मिलेगा, गाद मिलेगा, क्ले मिलेगा, इसको उपमृदा बोलते हैं।
इसके नीचे जाओगे तो अपक्षयी चट्टानी पदार्थ मिलेंगे और उसके नीचे जाओगे तो जनक चट्टानें मिलेंगी जिससे बना है। ठीक है, तो ये चार स्टेप में आपके सामने है। केवल एक सेंटीमीटर मृदा को बनने में दोस्तों सैकड़ों वर्ष लगते हैं और हमको ख़राब करने में सैकड़ों सेकंड भी नहीं लगता है कि नहीं। हम उसको क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो इस चीज़ को हमें रोकना होगा और इस चीज़ के उपयोग को समझना होगा। मृदा के बारे में आपको बताऊं एक लाइन में, तो यहाँ देखिए दे रहा है कि जो जनक सेल होता है, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करता है। ठीक है, मिट्टी का उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है। मृदा अपने ही समझ पा रहे होंगे, अभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं समय की बात करता हूँ। मैंने अभी क्या बताया आपको पीछे, एक सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ये जो समय लग रहा है सैकड़ों वर्ष, तो याद रखिए जो समय है ये मृदा की जो परिच्छेदिका होती है उसकी मोटाई को निश्चित करता है। ज़्यादा हज़ारों समय की बात कर दोगे, हज़ारों वर्षों की बात कर दोगे तो मोटा नहीं हो जाएगा, पट्टी इसकी मोटी हो जाएगी कि नहीं। सैकड़ों में इतनी, हज़ारों में इतनी, लाखों में इतनी, करोड़ों में इतनी, तो ये है अपक्षय। जैसे ऐसे होता जाएगा वैसे वैसे इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी समय के साथ। चलो अगले टॉपिक की बात करते हैं। कह रहा है जलवायु जो है, जो मौसम है, जो तापमान है, जो वर्षा है, ये जो अपक्षय की क्रियाएं हो रही हैं और ह्यूमस का निर्माण, ये सभी के सभी जो है मृदा को प्रभावित करते हैं। करेंगे ही भाई, मृदा जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगा वहाँ की मिट्टी और ज़्यादा उपजाऊ होगी, जहाँ पे बारिश नहीं होगा वहाँ पे मिट्टी बंजर हो जाएगी, ह्यूमस ख़त्म हो जाएगा। बताओ तो सब एक दूसरे से कोरिलेट करो तो समझ पा रहे हो कि नहीं, कि एक दूसरे पर डिपेंड है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव, ये तीनों मिलकर के वनस्पति जात, प्राणी जात। अब कहोगे ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं, जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है, ठीक है, या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं जब ये गलने सड़ने लगते हैं, सड़ गल के कहाँ चले जाते हैं, ज़मीन में। आप ज़मीन में प्लास्टिक को छोड़ के कोई भी पदार्थ को गाड़ दोगे तो बहुत समय बाद निरंतर उसमें चेंजिंग होता रहता है और वो क्या होगा, मिट्टी इसको गला लेगा, एकदम गल जाएगा, यहाँ तक कि हड्डियाँ भी गल जाती हैं। तो वो जो मिट्टी उसको जो है गला देता है और अपने में शामिल कर लेता है, उसी से ह्यूमस बनता है और वही ह्यूमस क्या होता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो कहीं ना कहीं वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव जरूरी हैं किसके लिए, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करने के लिए। जाहिर सी बातें हैं, है कि नहीं। उच्चावच जो होता है, उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है। जहाँ की उच्चावच ज़्यादा होगी, जहाँ पे ढाल जिस प्रकार से होगा वहाँ पे, ये देखा, अब देखो जहाँ ढाल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ऐसे खड़ी ढाल है, पर्वत ही ऐसा है, यहाँ बताओ कितना स्टोर रहेगा मृदा। अरे जैसा ढाल रहेगा, ढाल अगर ऐसा है देखो तो यहाँ पे मृदा क्या होगा, ज़्यादा स्टोर रहेगा, और ढाल अगर ये है तो, अगर ऐसे मैंने ढाल कर दिया तो बताओ यहाँ कितना मृदा रहेगा। तो क्या ढाल जो है मृदा के संचय को यानी स्टोर को ये इसको निर्धारित नहीं करता है, जाहिर सी बातें करेगा। जो जनक सेल होता है, जो सबसे अंदर पाया जाता है, वो जो होता है मृदा के रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, इन सबको नहीं बताएगा। अरे उसी से तो बना है, उसी से तो बना है भाई, है कि नहीं। तो सब के सब जो है प्रभावित करने वाले तत्व हैं, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले ये सब कारक थे। अब चलिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। वैसे अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत में आप पढ़ते हो कि भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नदियों के थ्रू मैदान जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए। बाकी काली मिट्टी, लाल लैटराइट, मरुस्थली और पर्वतीय प्रकार की मृदा ये भी पाई जाती हैं। लाल, काला, लैटराइट, मरुस्थली और पर्वतीय, ये भी मृदा पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल 6 तरह की मिट्टी जो है भारत में देखने को मिलती है अलग अलग क्षेत्रों में। मृदाएँ, विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी कभी कर ही नहीं पाओगे इकट्ठा, ना तो आप देख पाओगे, मैं ही समझा दे रहा हूँ। और कह रहे हैं कि मिट्टी सब एक एक मुट्ठी सब जुटा लो और देखो सब में अंतर क्या होता है। तो कहाँ जाओगे एक मुट्ठी मिट्टी लाने। चलो और पढ़ते हैं। मृदा निर्माण के कारक कैसे दोस्तों, कहाँ पर जलोढ़ हो गया, कहाँ पर काली मिट्टी बन गया, कहाँ पर लैटराइट हो गया, कहाँ पर लाल मिट्टी हो गया, ये सब कुछ ना कुछ वजह तो होता होगा ना बनने का इनका। मृदा निर्माण का जो मुख्य कारण है वो जनक सेल है, जनक सेल का स्वरूप सबसे इम्पॉर्टेंट जिससे वो बन रहा है, और जलवायविक कारक है। जनक सेल और जलवायु, बेसिकली ये दो चीज़ें मिलकर मृदा के स्वरूप को डिसाइड करती हैं कि मृदा कौन सी रहेगी। भाई काली मिट्टी कभी गंगा के मैदान में नहीं मिलेगा, लाल मिट्टी यहाँ नहीं मिलेगा,
पर्वतीय मिट्टी सोचो आप मैदान में मिल जाए तो मैदानी क्षेत्रों में नहीं मिलेगा पर्वतीय मिट्टी, मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ ही मिलेगा। जहाँ कहीं लावा वाला होगा तो वहाँ पे काली मिट्टी मिलेगी। तो हर मिट्टियों की अपनी खासियत होती है। पर्वतों के पास देखेंगे पर्वतीय मिट्टी मिलेंगी, मरुस्थल क्षेत्र में चले जाएंगे मरुस्थली मिट्टी मिलेगी। तो हर चीज़ का अपना कारक है। क्या एक कारक तो उसका जनक शैल है, दूसरा कारक उसका जलवायु है, वहाँ की जलवायु के अनुरूप ही होता है। उसी की वजह से वहाँ की मिट्टी भी वैसी है और उस मिट्टी की वजह से वहाँ की वनस्पति भी अलग अलग है। तो मृदा निर्माण के अन्य कारक जो हैं, जिसमें स्थलाकृति हो गए, जैव पदार्थ की भूमिका हो गई, ये मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है, ये सब भी उस पर अन्य फैक्टर हैं। जैसे जनक शैल और जलवायु के अलावा भी अन्य फैक्टर हैं, वहाँ की स्थलाकृतियाँ, वहाँ का जैविक पदार्थ की भूमिका, ये सब जो है मृदा के निर्माण में संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों पर ये भिन्न भिन्न हैं। मृदा के निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय ये कैसे कर सकते हो आप? देखिए मृदा अपरदन जो हो रहा है, जो मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी बह के पानी के साथ चला गया, यही है मृदा अपरदन, मिट्टी कट गया। तो मृदा अपरदन जो हो रहा है या इसकी जो छीणता हो रही किसी वजह से, ये समाप्त जो हो रहा है, ये मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल मानव जिम्मेदार है, प्रकृति भी जिम्मेदार है। नदियाँ आती हैं, नदियों में जब बाढ़ आता है तो मृदा अपरदन का काम करती है। बताओ घाघरा में अगर बाढ़ आएगा तो अगल बगल के गाँव की मिट्टी काट के लेके जाती है कि नहीं, अपने साथ बहा ले जाती है? तो प्राकृतिक कारण बना कि नहीं, और इसके अलावा मानवीय कारण भी है। तो दोनों कारण हो सकता है निम्नीकरण का। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक क्या होते हैं? तो उसमें अब देखो, आग में घी डालने का काम करता है आदमी। प्रकृति जो नुकसान पहुंचा रही है, हमको उस पर कम करने का विचार करना चाहिए, तो उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा, बल्कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हम खुद ही वनोन्मूलन कर दे रहे हैं, वनों को काट दे रहे हैं, और ज़्यादा मृदा अपरदन हो, और ज़्यादा मृदा छिड़ता हो, हम अतिचारण पर उतर आए, हम रासायनिक उर्वरकों का इतना ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं कि उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, जबरदस्ती कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, वर्षा दोहन कर रहे हैं, भूस्खलन बाढ़ तो आम चीज़ हो गया। तो इस वजह से जो मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, अगर इसको हमने रोका नहीं तो फिर क्या हो जाएगी, एक बहुत बड़ी संकट का सामना करना पड़ेगा आगे। हमको तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो पीढ़ियाँ हमें अपना जिम्मेदार ठहराएंगी उस चीज़ के लिए। मल्च बनाना, ठीक है, मल्च बनाना क्या होता है? इसमें क्या होता है कि पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दिया जाता है। किसे ढक दिया जाता है? देखो इसमें क्या होता है कि पौधों के बीच में जो अनावरित भूमि होती है, जहाँ पर कुछ बोए नहीं रहते, उसको प्रवालों से ढक दिया जाता है। इससे मृदा की जो आर्द्रता होती है वो रुकी रहती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं मल्च बनाना, मल्च बनाना, ठीक है। तो ये सब देखो मृदा संरक्षण के तरीके हैं, कैसे मिट्टी को उपजाऊ बने, कैसे उसको संरक्षित रखें, उसका सब तरीका है। वेदिका फॉर्म बनाना, ये क्या होता है? वेदिका फॉर्म ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, जो पर्वतों का ढाल होता है उस पर बनाया जाता है, ताकि सपाट तरह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो सकता है। आप जाओगे जब वेदिका फार्म, आप देख पाओगे जहाँ चाय वगैरह के बागान मिलेंगे आपको असम साइड में, वहाँ देखेंगे वेदिका फार्म में ही खेती होता है। ये देखो ना सैम फिगर, ऐसे हैं हमने ढेर सारी यहाँ पे मेड़िया टाइप में बना दिया, ताकि जो पानी है वो बरसे तो एक एक करके रुकता जाए, थोड़ा सा पानी कुछ टाइम स्टोर होता जाए, तो उसको नीचे तक पहुँचने में बहुत समय लग जाता है। धीरे धीरे पूरे इस पर्वतीय क्षेत्र पर हर जगह क्या हो जाता है, पानी की उपलब्धता हो जाती है। उपलब्धता मतलब कि जो फसल यहाँ बोए हो उसमें उसका योगदान हो जाता है, वेदिका फॉर्म। इसके बाद समोच्च रेखी जुताई, ये क्या होती है? ये पहाड़ी डाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का काम करती है। यहाँ तो इस तरह से कुछ बनाया जाता है, देखो ये देख रहे हो समोच्च रेखी जुताई है। यहाँ जिस तरह से हमने यहाँ पे देखो, इसके इसके ढाल में अंतर होता है, ये थोड़ा सा ढाल ज़्यादा होता है, यहाँ पर समोच्च रेखी जुताई करना थोड़ा सा कठिन होता है। यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल करके इतना प्लेन कर देते हैं ज़मीन को, ऊंचाई बनी रहती है, लेकिन पूरे ज़मीन को हम प्लेन कर देते हैं, ताकि वहाँ पर जो है पानी को जगह जगह हम स्टोर कर सकें बाउंड्री बना करके, ठीक है। रक्षक मेखलाएँ, ये क्या होती है? जो तटीय प्रदेश हैं या जो शुष्क प्रदेश हैं उसमें जो है पवन बहुत तेज चलता है। आप समुद्र के किनारे खड़ा हो जाए, देखो पवन कितना तेज़ चलता है। आप शुष्क प्रदेश मरुस्थल के आसपास देखो पवन कितना तेज़ चलता है। तो उनके गति को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम वृक्षों को एक कतार में लगा देते हैं, ताकि मृदा के आवरण को बचाया जा सके। अब इससे क्या होंगे, हवा रुकेगा, जाके लड़ेगा और स्टॉप हो जाएगा,
उसकी स्पीड में कमी आ जाएगी। तो इस वृक्ष के उस पार जो मिट्टी है, ठीक है, या मान लो कि इस पार जो मिट्टी है, मान लो उधर से हवा आ रही है, तो इस पार जो मिट्टी, इसकी क्षति नहीं हो पाएगी या कम क्षति होगी। तो रक्षक मेखलाओं का विकास, तो हम लोगों ने जो है कुछ अपना योगदान दिया है इसके लिए रक्षक। अब देखो ऊपर एक समोच्च रेखी रोधिकाएँ थी, हो सकता है वो आपके दिमाग में ना आई हो कि सर क्या था समोच्च रेखी, जिससे वेदिका फार्म तो समझ गए, समोच्च रेखी थोड़ा सा टफ लग रहा था, सिंपल सी बता रहा हूँ आपको। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा, इन सब का उपयोग किया जाता। छोड़ो, ये बहुत अच्छा दे दिया क्रियाकलाप, शायद ये ना होता तो मैं आज आपको समझा ना पाता। वेदिका फार्म तो समझ गए होंगे, मल्च बनाना भी समझ गए होंगे, इसके अलावा ये जो रोधिका था ये भी समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, ये कह रहा दोस्तों कि आप 200 ट्रे ले लो, ये नहीं पढ़ूंगा मैं, ठीक है, समझा रहा हूँ आपको। 2 ट्रे ले लो, दोनों में मिट्टी लगा, भर दो, भर दिया मिट्टी, एक को ऐसे ही रहने दो, दूसरे में घास लगा दो। कुछ दिन बाद जब ये घास उग जाती है, उसके बाद ट्रे को तिरछा करो और पानी डालो उस पे मग से। जब भी तुम पानी डालोगे ना, तो नीचे एक बर्तन रख दो और तुमको ये देखना है कि इस बर्तन में केवल पानी आता है या पानी के साथ मिट्टी भी बह के आता है। अगर पानी के साथ मिट्टी बह के आता है तो इसका मतलब क्या है, यही तो हो रहा है, यही मृदा क्षति हो रही कि नहीं, बताओ। पानी के साथ मिट्टी बह जा रहा है, तो आप देखो कि जो प्लेन वाला था इसमें पानी के साथ मिट्टी बह के चला जा रहा है, लेकिन जो घास वाला था उसमें देखोगे कि पानी के साथ मिट्टी की मात्रा जो बहुत कम है या नगण्य है। मैजिक मैजिक नहीं है ये, जो घास है, घास की जो जड़ें हैं, घास की जो जड़ें, ये मैं मान लूँ एक घास है, तो घास की जड़ें जो है दोस्तों, इसने मिट्टी को पकड़ रखा है जगह जगह। ऊपर से तो घास है, ऊपर से तो घास है, लेकिन नीचे से इसने मिट्टी को पकड़ रखा है, और यही जो मिट्टी को पकड़ा है, यही मिट्टी को बहने नहीं दे रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर मिट्टी क्या है, संरक्षित है। तो यही मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यही काम होता है समोच्च रेखी रोधिकाओं पर, ठीक है, ताकि वहाँ पर जो है मिट्टी हमारी संरक्षित रहे। क्या आप जानते हैं 1975 में मानव उपयोग के लिए जो जल की खपत थी वो 3850 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष थी, जबकि 2000 में बढ़कर 6000 किलोमीटर प्रतिवर्ष से अधिक हो गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो इस्तेमाल है वो बढ़ा है, पहले हम 3850 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष इस्तेमाल करते थे, अब वो 6000 पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोचो कि 25 साल में कितना अंतर देखने को मिला, अभी अगले 25 साल में क्या होने वाला है, ये बढ़ के 12-15 हज़ार पहुँच जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ें पे हमें रोक लगाना है। इसके अलावा हम चट्टानी बांध बनाकर भी मिट्टी को भागने से रोकते हैं, कि हमको, हमारा काम क्या, हम मृदा संरक्षण की बात कर रहे हैं, हमको मृदा को बहने नहीं देना, ये हमारा टारगेट है। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टानी बांध बना दिया, स्पीड जो है जल की वो कम हो गया, ये नालियों की रक्षा करता है और मृदा क्षति को रोक देता है। बीज की फसल उगाना, इसमें क्या होता है, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं, ठीक है, बीज बीज की फसल लगाना। अच्छा चलिए इसी के साथ जल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय मैंने बताया था आपको अभी पिछले वीडियो में, नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में बताया, जैसे सौर ऊर्जा है, ठीक है, ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, पवन हो गया नवीकरणीय है, जल हो गया नवीकरणीय है। नवीकरणीय मतलब जो असीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन असीमित होने के बाद भी इसका मात्रा सीमित है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि सीमित हो चुका है कि नहीं। तो जल एक महत्वपूर्ण नवीकृत प्राकृतिक संसाधन है, भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसको जलग्रह भी कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ, यहीं पर सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई, बाद में धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीव आए, ठीक है। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद कर रहे हैं। महासागरों में जो जल है वो लवणीय जल है और वो मानव के उपयोग के लिए सही नहीं है, क्योंकि हम तो अलवणीय जल पीते हैं, ठीक है, मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवणीय जल का केवल 2.7% ही हमारे उपयोग में आता है, इसका लगभग 70% भाग हमारे लिए अवेलेबल कितना जल है जो अलवण है, तो वो 2.7%। अब 2.7 का जो 70% भाग है वो बर्फ़ की चादरों में और हिमानियों में, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड या जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पर पाया जाता है, तो हमारी स्थिति से बहुत बाहर है, उसको हम पा नहीं सकते हैं। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है जो मानव उपयोग उपभोग करता है, और केवल 1% यह अलवण जल जो उपलब्ध है यह मानव जो यूज कर रहा है, यह भौम जल है, नदी हो गया, झील हो गया,
इन सबको। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उस 1% में भी नदियों को बर्बाद कर दे रहे हैं, झीलों को बर्बाद कर रहे हैं, भौम जल को ख़राब कर दे रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। कैसे, नदियों में हम लोग जो उद्योगों का पानी भेज रहे हैं, जो बगल बगल औद्योगिक संस्थान लगाए उसके जो गंदे पानी हैं, ठीक है, उसका जो गंदा पदार्थ निकल रहा है उसको भेज दे रहे हैं, तभी तो गंगा जमुना की हाल हो गया। हम लोग अपने सीवर को, हम लोग जो पीने वाला जल था हमने क्या किया, उसमें अपने सीवर पाइप को जोड़ दिया लाके, जो पूरे शहर का एकदम गंदा पानी वो जाके बह रहा है, तो नदी का जल दूषित होगा कि नहीं, दूषित हो गया। जो झील है उसको भी हमने नहीं छोड़ा, जो झील है उसको भी हमने नहीं छोड़ा, उसको भी हमने बर्बाद किया। और जो भौम जल है उसको पता कैसे बर्बाद किया, भौम जल मतलब जो भूमि के अंदर का जल है, हमने वहाँ तक भी बर्बाद कर दिया जल। कैसे, जो खेत हैं, खेतों में हमने कीटनाशकों रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया, बाद में जब बारिश होता है तो उस कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थों को रिस रिस कर जल के साथ मिलकर भौम जल में जाके मिल जाता है, तब ना आज जो है भौम जल पीने लायक नहीं बचा है, तो आप घर में आरओ फिल्टर लगवा रहे हो, आरओ फिल्टर लगाने की क्या ज़रूरत है, हाँ हमने भौम जल को दूषित कर दिया है तब हम लगवा रहे हैं, तो याद रखो। और बाकी जो छोटा मोटा है वो वायुमंडल में है, जलवाष्प के रूप में है, तो हम लोग उसको भी बर्बाद करने लगे, ढेर सारी चिमनी है, यहाँ से जहरीले गैस निकल रहे हैं, दिन भर जो है एक से एक CO2 निकल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं, ठीक है, सल्फर निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, नाइट्रोजन, बहुत सारे तमाम मीथेन सीथेन हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, बहुत सारे हानिकारक गैसों को हम लोग निकाल रहे हैं, और वो वायुमंडल में जा रहे हो, तो क्या यहाँ पर जो जलवाष्प है उसको दूषित नहीं करेंगे, हैं, तभी तो हमको मना किया जाता है भैया कि पहली बारिश में मत नहाओ नहीं छाले निकल जाएंगे, बताओ। तो हमने जहाँ जहाँ जल है ढूंढ ढूंढ के गोली मार रहे हैं जल को, हैं, कभी हम देखते हैं कि आसपास हमारे एक कोई नल है, नल से मान लो एक एक बूट पानी टपक रहा है, सही नहीं करा सकते, टाइम ही नहीं किसी को, फुर्सत ही नहीं है, और पता उस टपकते नल से एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ हो जाता है, कितना जल, एक वर्ष में 1200 लीटर जल वो क्या करता है, वो टपकता नल क्या करता है, बर्बाद कर देता है, फिर भी उसको बदलने की किसी के पास फुर्सत नहीं होती है। फुर्सत पता कब होगी, जिस दिन त्राही त्राही मचेगा उस दिन सबको होश आएगा, आज नहीं आ रहा है। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 135 लीटर जल का उपयोग करता है, एक आदमी। अब आपके घर में जितने सदस्य होंगे सोच लो, अगर आपके घर में 500 या 1000 लीटर की टंकी है तो चेक कर लो कितने दिन में वो खाली होती है, एक भी दिन नहीं लगता 500 लीटर टंकी खाली होने में, पता करो घर पे। पीने का पानी आदमी कम से कम 3 लीटर पीता है, खाना बनाने के लिए कम से कम 4 लीटर का इस्तेमाल करता है, नहाने के लिए 20 लीटर, एक बाल्टी तो नहाओगे, 20 लीटर वाली बाल्टी होती है, और लड़कियाँ तो पूछ भी मत करो, ठीक है, उनको 40 लीटर चाहिए नहाने के लिए। मजाक कर रहे हैं यार, अब सीरियस मत हो जाना, हाँ कमेंट ना करने लगना। शौचालय अगर जा रहे हो फ्लश लगा दिया स्टाइल में, फ्लश लगा दिया तो क्या हो गया, 40 लीटर पानी बर्बाद हो रहा है वहाँ पे। वस्त्र धोने के लिए 40 लीटर, भाई दो बाल्टी से कपड़ा धोओगे, बर्तन धोना 20 लीटर, बागवानी कर रहे हो 23 लीटर, तो एक कान एन एवरेज जो ढूंढा गया वो लगभग 135 लीटर। सोचो अब एक आदमी अगर एक दिन में 135 लीटर इस्तेमाल करेगा तो विश्व की जनसंख्या कितनी है, अकेले भारत की जनसंख्या 128 करोड़ है, सोचो कितना जल एक दिन में इस्तेमाल किया जा रहा है, हा? और ये सब पता कैसे जल है, ये सब लवणी जल नहीं है, ये सब अलवणी जल है जिसका इस्तेमाल पीने के लिए करना था, हम क्या कर रहे हैं, हम उसका इस्तेमाल फ्लश के लिए कर रहे हैं, फ्लश दबा दिए साफ हो गया, खुश हो जा रहे हैं, बर्बादी अपने चरम सीमा पे जा रही है, हर व्यक्ति जो है बर्बाद होने पे एकदम तुल चुका है, किस तरह उसकी बर्बादी आए। तो याद रखो दोस्तों, यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जो अलवणीय जल है वो पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है, हाँ पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है, कभी उसको बढ़ा नहीं सकते जल को, और ना ही घटाया जा सकता है, इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, वाष्पोत्सर्जन होगा ऊपर जाएगा नीचे आएगा फिक्स है, इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि वाष्पीकरण वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं के द्वारा महासागरों वायु और भूमि और पुनः महासागरों के चक्र द्वारा नियंत्रण गतिशील है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं, मैंने समझाया हूँ आपको ये सारी चीज़। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में भी जल का इस्तेमाल किया जाता है, जल जो हो गया कृषि के मामले में, उद्योग हो गया, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जा रहा है, जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की जो आपूर्ति है उसमें दिन प्रतिदिन कमी आ रही है, इसका मुख्य कारक क्या है, बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर, ये सब इसके कारण हैं, तो कहीं ना कहीं हमें त्यागना पड़ेगा इन चीज़ों को। क्या आप जानते हैं, क्या आपने जल बाज़ार के बारे में सुना है,
वाटर मार्केट सुना कभी नहीं सुना ना, सौराष्ट्र चले जाओ, गुजरात में पड़ता है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है, क्योंकि वहाँ पर जल जो है उसकी समाप्ति हो चुकी है, वहाँ पर पानी खरीद कर पिया जाता है। सोच लो क्या चीज़ें हैं। दुनिया को मारो गोली, यार मैं पानी खरीद के पीता हूँ, मुझे कहाँ पानी खरीद के पीता, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, ठीक है तो मुझे भी खरीद के पीना पड़ता है, क्या करें। जल उपलब्धता की समस्याएं, विश्व के कई क्षेत्रों में जल की कमी है, विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश, अगर अफ्रीका की बात कर लें, पश्चिमी एशिया की बात कर लें, दक्षिण एशिया की बात कर लें, देखो बताता चलूँ आपको, पश्चिमी एशिया मतलब आपको बात कर रहा है जिधर आपका अरबियन कंट्री है उसकी बात कर रहा है, उधर तो ज़्यादातर रेगिस्तान है तो वैसे भी जल की कमी है। दक्षिण एशिया मतलब जहाँ पे हम लोगों का साइड, ये नीचे की साइड हो गया दक्षिण एशिया, भाई भारत भी तो दक्षिण एशिया का क्षेत्र है। बाकी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका का भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, ये अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये सारे के सारे धीरे धीरे अलवणीय जल की आपूर्ति का सामना करते देख रहे हैं, यहाँ पर जो है कमी है। वे देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, अक्सर ज़्यादातर उसमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता का परिणाम स्वरूप हो सकता है। मतलब ये कह रहा है कि वैसे तो बहुत समस्या बनी रहती है, लेकिन जब वर्षा होता है तब जाके कुछ जल मिलता है हमें, और भी हम बहुत ज़्यादा समय तक उसका संरक्षण नहीं कर पाते। अरे हमें सिखाया जाता है भैया जल का संरक्षण करो, कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक जल संरक्षण के बारे में सोचा बताइए, कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक जल संरक्षण के बारे में सोचा, नहीं सोचने का मौका ही नहीं है, है कि नहीं। तो जल संरक्षण लोग करते नहीं हैं, लेकिन हमको करना चाहिए। अथवा अति उपयोग या जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव देखा जा रहा है। ये जो शहरों का नाम बताया जा रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जल संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो रहा है। अभी ये देख लो, नदी यमुना में वाहित मल, ये लग रहा है किसी तरीके से लग रहा है कि इसके जल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसके जल को इस्तेमाल कर लेगा उसका खुद ही इस्तेमाल हो जाएगा। इसमें वाहित मल, औद्योगिक का बहिस्त्राव, कचरे, ये सब जो है जाके प्रदूषित कर रहे हैं, यही जाके गंगा में मिलेगा, गंगा भी प्रदूषित होगी, क्या करें हम। जल संसाधनों का संरक्षण हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें इस स्थिति से बचना है तो हमें जल संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुँचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस छीड़ होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाना चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग या प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। यानी जल नवीकरणीय जरूर है, ऐसा मत सोचो कि अनलिमिटेड हमारे पास है, उसको संरक्षित करना सीखो। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित मल, वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकाय में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। हमको पता है कि जल किस तरह से प्रदूषित होता है, सब लोग जानते हैं। इसमें नाइट्रेट धुएँ, धातुएँ जो जल को हानि पहुंचाती हैं, पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अजैव निम्नीकरण के कारण जब उस पानी का ग्रहण करते हैं तो मानव शरीर में पहुँच जाते हैं, तो उससे व्यक्ति भी प्रभावित होता है। इन प्रदूषकों को जल निकाय में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों के उपयुक्त विधि से शोधित करके इस पे जो है नियंत्रण पाया जा सकता है। कह रहा है कि जगह जगह जहाँ पर जैसे कोई शहर है तो उस शहर का पानी अगर किसी नदी में छोड़ा जा रहा है तो वहाँ पर एक वाटर प्लांट लगा होना चाहिए, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, ठीक है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, ये व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना चाहिए, प्लांट लगा होना चाहिए जहाँ से जल फिल्टर होकर तब नदियों में भेजा जाए, समझ रहे बात को। इस चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद कर देते हैं, बात को समझिए, और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। दोस्तों ये जो वनस्पति होता है, अभी मैंने पीछे घास का एग्जाम्पल देता है, तो उस तरह से जितने भी वनस्पति होते हैं ये धरातली प्रवाह को मंद करते हैं। जब बारिश वगैरह होता है तो इनके जड़ों से होते हुए जो जल है ये भौम जल तक पहुँच जाता है और जल जाके वहाँ पुनः जो है संरक्षित हो जाता है। तो हमें वनस्पति को काटने से रोकना होगा, वनारोपण करना होगा, ठीक है। ये जो वन काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधों को हटाया जा रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करो, कम से कम प्रयोग करना सीखो। अब तो आदत हो गई यार, किसानों को भी आदत हो गई छिड़काव करने की।
ठीक है, उन सबको देखो, उनको अपने मृदा को ले जाके जो हर जिले में बना होता है केंद्र होता है, वहाँ पे मिट्टी की चेकिंग होती है कि वो मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं, या उसको कितने मात्रा में रासायनिक खादों वादों की ज़रूरत है, उसी अनुपात में दिया जाना चाहिए। आदमी करता नहीं है, सीधे ले गया चार बोरियाँ ले जाके छिड़क दिया उठा के, क्या पता उसको क्या दिक्कत है, और उसका प्रभाव फसलों पर भी पड़ता है, वही फसल व्यक्ति उपभोग करेंगे उनके ऊपर पड़ेगा, जब जल रिस करके जाएगा तो उस पदार्थ को भौम जल में ले जाके मिला देगा, वहाँ नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, शीशे की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, कैसे पियेंगे उसको हम, फिर लगाना पड़ेगा आरो फिल्टर। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में सोचिए, वरना बहुत जो है खतरा बढ़ जाएगा। जल का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है, जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। नहरों का पक्का करना, देखते हैं नहरों कितने जगह है जहाँ पर नहरों को पक्का किया गया, नहीं किया गया, तो उसको उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र के स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना चाहिए। स्प्रिंकल, ये देख रहे हो स्प्रिंकल, अब स्प्रिंकल से क्या होता है, एक तो कम जल लगता है, अभी नहरों के माध्यम से क्या होता है, अगर पानी यहाँ डालोगे तो पूरा खेत को भरना पड़ता है, किस लिए, कि पौधों को पानी प्राप्त हो सके, और इस तरह से क्या होता है कि चारों तरफ कम जल के माध्यम से छिड़काव हो जाता है कि नहीं, ये चीज़ याद रखो। तो स्प्रिंकलों के माध्यम से सिंचाई करना अधिक प्रभावी, तो किसानों के भी बारे में सोचना चाहिए और जगह जगह स्प्रिंकल लगाना चाहिए। वाष्पीकरण की जो अधिक दर वाले शुष्क प्रदेश हैं में सिंचाई की ड्रिप और टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है, तो एक ड्रिप विधि होती है, टपकन विधि जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से सिंचाई करना चाहिए जो शुष्क प्रदेश है। क्यों, शुष्क प्रदेशों में पानी की वैसे ही कमी है, तो वहाँ सिंचाई कैसे करोगे, अगर इतना पानी डाल दोगे तो पियोगे क्या, तो सब ध्यान देने योग्य बातें हैं। संरक्षण की इन विधियों को अपना करके बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं, अपने घर की छत पर वर्षा का जल एकत्र करके इस जल संग्रहण करना और विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। आप ऐसा मत करना, पता चला कमजोर छत है, ज़्यादा स्टोर हो गया तो टूट के आपके सर पे गिर जाएगा, ठीक है, तो देखा जाता है, ये एग्जाम्पल दे रहा है जय, हमें अपने छत पे जो वर्षा का जल एकत्रित करना चाहिए उसका विभिन्न कामों उपयोग करना चाहिए, है कि नहीं। औसतन दो घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। दो घंटा भी अगर आपके यहाँ अच्छी बारिश हो गई तो 8000 जल आप एक जगह स्टोर कर सकते हो बहुत आराम से। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चलेगा, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और चीज़ें हैं, देखते चलिए। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, स्कूलों के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे, प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के विभिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ यह जूट से बना है। किससे बना है, जूट से। अब देखो वनस्पति के माध्यम से दिखा रहा है चीज़ों को कि जूट का बना बैग। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं जो बेत और बाँस की बनी होती हैं, हमारे घरों में होता है बेत और बाँस की कुर्सियाँ, टोकरियाँ, छत्र, जहाँ कुछ सामान रखने के लिए कुछ सामान बने होते हैं, थैले बने होते हैं। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेश जो हैं वहाँ पर बांस जो है प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है और उसी से बनाए जाते हैं। और जूट भी आपका पश्चिम बंगाल जूट के मामले में नंबर वन है, बांग्लादेश चले जाओगे तो और भी नंबर वन है पूरे वर्ल्ड में, तो पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पर जूट होता है, तो वहाँ के माध्यम में वहाँ टोकरियाँ बनाई जाती हैं। जस्सी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी, वाओ इतना खूबसूरत स्कार्फ है देखो ना, है कि नहीं, तो वो एकदम उत्साहित थी। उसके अध्यापिका ने स्पष्ट किया, बेटा ये रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, ये शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं और हम उन पौधों को टाइम टाइम फिक्स कर देते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। देखो ये शहतूत का कीड़ा है और रेशम कीट का, रेशम के लिए जो है इन शहतूत के पेड़ों पर जो है इन कीड़ों का पालन भी किया जाता है कि हमको रेशम की प्राप्ति हो सके, और उससे जो है बनाए जाते हैं सामान कपड़े। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो प्रकृति है, ये जो वनस्पति है, ये हमसे जुड़ा है, हमारे जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल तीनों से जुड़ा है, इसीलिए तो हम इस धरती को क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। जैव मंडल में सभी जीव जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं, सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं और इसी को पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र क्या होता है आपसे एग्जाम में पूछता है, आईएएस के पेपर में मैंने देखा है पारितंत्र के बारे में, पीसीएस में देखा है पारितंत्र के बारे में। तो दोस्तों याद रखो, जो हमारा जैव मंडल है इसमें जो विभिन्न जीव जातियां हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे जीव जंतु है, चाहे पशु पक्षी कुछ भी हो, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और सब एक दूसरे से संबंधित हैं।
इस जीवन पर आधारित तंत्र ही पारितंत्र कहलाता है। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। वनस्पति भी हमारे लिए बहुमूल्य संसाधन है और वन्य जीवन भी हमारे लिए बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। सॉरी यार, मैंने फ्लाइट मोड पे डालना आज भूल गया था। अब ऐसे ही लोग यार पढ़ाने टाइम में डिस्टर्ब कर देते हैं, गुस्सा आ जाता है। अच्छा खासा पढ़ा रहा हूँ, फ्लो बना है, पता नहीं किसको इतना ज़रूरी हुआ है। सारी चीज़ें तो मैं खुद ही क्लियर कर देता हूँ। चलो छोड़ो, गलती हमारी थी। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि फसलों को उगाने के लिए जो आवश्यक मृदा है इसकी भी सुरक्षा करते हैं। देखा ना, एक छोटी सी घास कितनी सुरक्षा कर रही थी। सोचो बड़े बड़े पेड़ और वनस्पति कितना सुरक्षा करते होंगे। भूमिगत जल का संग्रहण में हमारे सहायता करते हैं ये पेड़ पौधे। क्या करते हैं, इन्हीं की जड़ों से होकर तो जो पानी है वो डिस्क नीचे जाता है। हमें फल, लैक्टेस, तारपीन का तेल, गोद, औषधि पौधे, कागज, तमाम चीज़ें देते हैं। अरे यार, पेड़ पौधे पर हम कितनी चीज़ें लेते हैं उनसे, तो उनका रक्षा भी करना हमारा कर्तव्य बनता है। ब्रह्म कमल का फोटो यहाँ देख लीजिए, जल्दी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये ब्रह्म कमल का पुष्प है, ये एक औषधि बूटी है, ठीक है। किंग फिशर इसको बोलते हैं, किलकिला, किंग फिशर, ठीक है। इसी के नाम पे तो किंग फिशर वो हवाई जहाज चलता है, वहाँ पे इसका सैंबल आपको देखने के लिए मिलेगा इस पक्षी का। तो याद रखिए, जो वन्य जीवन के अंतर्गत, अच्छा ये हमने पढ़ लिया इसके बारे में, पौधों के बारे में, ठीक है। तो इसका उपयोग जो हम लोग असंख्य उपयोग, पौधों के कितने उपयोग हैं, असंख्य उपयोग हैं, उनमें कुछ आप और जोड़ सकते हैं जो भी आपको याद आ जाए। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव, बहुत सारी चीज़ें आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल, ऊन, तमाम चीज़ें मिलती है। कीट जैसे छोटे छोटे पौधे भी हमें बहुत कुछ दे देते हैं। मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागकण में मदद करती है। भाई फूलों का परागकण उसी वजह से तो होता है, तभी तो फूल आते हैं, तो फिर फूल भी नहीं होते। और पाँच तंत्र में जो अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनका योगदान भी बहुत है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में यह कार्य करती है। गिद्ध जो है वो मृत जीव जंतुओं के खाने के कारण एक मार्जक है। आज क्या हो गया, आज गिद्ध जो है कहीं देखने को मिलते हैं आपको, गिद्ध नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, समाप्त हो गए। नहीं तो जो जीव जंतु मृत्यु हो जाते थे, जिनकी हम लाश ले जाके खेतों में फेंक देते थे, गिद्ध क्या करते थे, उनको खा जाते थे। तो एक अपमार्जक का काम करता था और पर्यावरण को एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता था। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों या छोटे हों, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। गिद्धों के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार हम देखते हैं, कुछ पशुओं का उपचार में जब पशु डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, डिक्लोफेनिक या एस्प्रिन अथवा एबुप्रोफेन, ये पीड़कनाशी होता है। जैसे हम लोग कमी फ्लाम यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं दर्द के लिए, भाई पैरासीटामॉल यूज करते हैं, क्रोसिन यूज कर लिया, उसी तरह से जो पशु पक्षी होते हैं इनके उपचार में डिक्लोफेनिक दिया जाता है, एस्प्रिन दिया जाता है, इबुप्रोफेन दिया जाता है, ये पीड़कनाशी दिया जाता है। और जब कभी वो जीव जंतु की मृत्यु होती है और उनकी जब क्या बोलते हैं लाश को जब गिद्ध खाते हैं या उनके अपमार्जक के उपरांत जो गिद्ध होता है उसकी किडनी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से गिद्ध क्या हो रहे हैं, मर रहे थे। तो लोगों को लगा गिद्ध क्यों मर रहे हैं, अरे गिद्ध को किसी ने मारा नहीं, गिद्ध को हम भून के खाते थोड़े थे कि मर गए, लेकिन उसके बावजूद गिद्ध मरे, तो उसका वजह ये था। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये चीज़ें जानिए, ये घास स्थल दिखा रहा है, वन दिखा रहा है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण ये समझिए, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। सब चीज़ों के पढ़ने के बाद जिस सार पर हम पहुँचे वो क्या है कि जो वनस्पति होती है ये टेम्परेचर और वहाँ की आर्द्रता, वहाँ की मौसम, जलवायु पर निर्भर करती है कि वहाँ की वनस्पति कैसी होगी। साथ ही साथ मृदा भी जरूरी है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को चार वर्गों में रखा जा सकता है, वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा, ये चार प्रकार में हम बांट सकते हैं। जहाँ भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ विशाल वृक्ष उगते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होगा वहीं पे वन मिलेंगे, नहीं तो बाकी जगह पे वन नहीं मिलेंगे। तो आपके दिमाग में छोटी सी बात बननी चाहिए कि भूमध्य रेखा के आसपास सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो यहाँ पर जो वन होंगे बहुत ज़्यादा होंगे, और चले जाएंगे अगर उत्तरी ध्रुव पर वहाँ वन खोजेंगे तो मिलेगा क्या, वहाँ वन वन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस है, रटना नहीं है, समझना है आपको। जैसे जैसे आर्द्रता कम होगी
आप किसी ऐसे जगह पे चले जाओ जहाँ पे आर्द्रता कम हो, वहाँ पर वृक्षों की आकार और उनकी सघनता वो भी कम होती जाएगी धीरे धीरे। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार के वृक्ष उगेंगे, घासें उगेंगी जो हमारे यहाँ होते हैं, सदाबहार वन तो होते नहीं हैं, पर्णपाती होते हैं, पर्णपाती वर्षा वन, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। और कम में चले जाओगे जहाँ एकदम पानी और कम होगा तो वहाँ पे घास स्थलों का निर्माण होता है। और कम वाले चले जाओगे जहाँ एकदम कम होता है वहाँ पे शुष्क प्रदेश होंगे, वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ आपको मिलेंगी, नागफनी जैसे मिलेंगे, कैक्टस मिलेगा, खजूर मिलेगा, ये सब मिलेंगे और गुलमुखते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें जो होती गहरी होती हैं। पता है कटीली झाड़ियाँ जो होती हैं उनकी जड़ें बहुत अंदर तक चली जाती हैं, पता किस लिए? पानी की खोज में, पानी की खोज में उनकी जड़ें बहुत गहरी चली जाती हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। अगर कांटेदार नहीं होगा तो बचा खुचा पानी जो ढूंढ के ला रहे हैं धरातल से वो भी जो है सूख जाएंगे, तो जिंदा कैसे रहेंगे सब रेगिस्तानी क्षेत्र में। तो याद रखो ये पेड़ों की पत्तियां कांटेदार होती हैं और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की जो टुंड्रा वनस्पति होता है उसमें मॉस और लाइकेन सम्मिलित होते हैं। वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? मॉस और लाइकेन पाए जाते हैं। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर पाए हम दो भागों में बांटते हैं कि सदाहरित है यानी सदाबहार वन है और पर्णपाती वन है। अगर एक साथ गिराया तो पर्णपाती वन है, अगर अलग अलग समय में गिराया तो सदाबहार वन है। यही तो बोलते हैं जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं अलग अलग टाइम पे, तो क्या हो गए? सदाबहार हो गए। और जहाँ पर वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में पत्तियां गिरा देते हैं, ठंडी का टाइम आएगा पत्तियां गिरने लगती हैं, फरवरी का टाइम आता है, बसंत ऋतु आता है, पत्तियां आनी चालू हो जाती हैं, तो एक विशेष ऋतु में अगर पत्तियां गिराती हैं तो क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा पर्णहरित वन। ठीक है, क्या बोला जाएगा? पर्णपाती वन, पर्णहरित कराओ, पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णहरित की वजह से पत्तियां हरी होती हैं। ठीक है, तो वो तो अलग चीज़ होती है। तो याद रखिए ये वन विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंध और शीतोष्णकटिबंध में वर्गीकृत किए गए। ये भी मैं आपको पढ़ाया हूँ पिछले साल जब हम क्लास 7th को कवर कर रहे थे, तो वहाँ हमने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में बहुत डिटेल से हम लोगों ने चर्चा किया था। आप पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकारों के वन, उनके वितरण और उनसे संबंधित प्राणी जीवन के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे उस समय उनसे कहीं अधिक लोग आज हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्र से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है, नहीं तो क्या हो जाएगा? और भी खतरा हो जाएगा। प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवों का संरक्षण, वन हमारी संपदा है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही साथ पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। यार अगर हम इन बच्चों को काटने लगेंगे, ऑक्सीजन की कमी जो होगी वो होगी, जो पारितंत्र के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं वो भी होगा। हम खुद छाया में नहीं बैठ पाएंगे कभी, हम फलों को कैसे पाएंगे, हम औषधियों को कहाँ से प्राप्त करेंगे? ये जो जीव जंतु हैं ये अपना प्राकृतिक आवास कहाँ बनाएंगे? हमने तो बना लिया, अब बड़े बड़े अपार्टमेंट बना लिए, 100-200 तल्ले के घर बना दिए, वो कहाँ बनाएंगे? उनका आवास तो वही था ना। बहुत सी जातियाँ असुरक्षित अथवा संकटापन्न है दोस्तों, बहुत सारे जीव जंतु क्या है? संकटापन्न है, बहुत सारे लुप्त हो गए हैं। और मैंने पहले ही कहा कि ये जो प्रकृति है अपने पारितंत्र को मेंटेन करने के लिए हर एक जीवों की उत्पत्ति किया है। गिद्ध भी जरूरी हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर अपमार्जक का कार्य कौन करेगा? ठीक है, और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं, बहुत सारे जीव तो ऐसे हैं जो लुप्त हो गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद थे इस प्रकृति में, लेकिन अगर वो लुप्त हो गए हैं तो उनका प्रभाव पड़ेगा, देखने को मिलेगा। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल, दावानल मतलब जो अंग्रेजों जो अग्नि के कारण जो सॉरी जो वनों में आग लग जाता है दावानल, उसको क्या बोलते हैं? दावानल। ठीक है, तो पूछता है एग्जाम में, भूस्खलन में से कुछ मानव निर्मित और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना भी है। आज देख रहे हैं हम कुछ जगह पर शिकार होते हैं, हालांकि हमने इस चीज़ को बहुत रोकने का प्रयास किया है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेज़ी से कमी आई है। कुछ स्पेशल चीज़ों की जो है शिकार किया गया है, जैसे हाथी दांत के लिए हाथियों का शिकार कर दिया जाता है,
हिरण की सींग के लिए हिरण का शिकार कर दिया जाता है। तो बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनका शिकार किया गया है, बहुत तेज़ी से शिकार किया गया और इससे उनकी संख्या में कमी आई है, पशु की खाल के लिए, चमड़ा के लिए, उनके नाखून के लिए। अरे यार क्या इस क्या है बताओ, ये क्या है उनका खाल लेकर के क्या बना लोगे, चमड़ा से, नाखून से, दांत से, पंख से, उनके सींगों को एकत्रीकरण करके और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। जो मार काट के खा रहे हैं वो तो अलग खा रहे हैं, बाकी इन सब कामों में भी इसका जो शिकार किया जा रहा है। इनमें से कुछ जंतु हैं जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, मोर, इन सब का हमने शिकार किया है। इनका संरक्षण जागरूकता से बढ़कर किया जाना बहुत आवश्यक है और करना पड़ेगा। ब्लैक बक, ये ब्लैक बक का सीन है, ठीक है। बारहसिंगा होता है तो उसकी सींग तो ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये बारहसिंगा होता है, लेकिन ब्लैक बक का ऐसे ऐसे होता है, ये ब्लैक बक है, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ें दोस्तों हैं और थोड़ी सी बातें और मैं करूँगा, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो राष्ट्रीय उद्यान, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए जहाँ इन जीव जंतुओं को संरक्षित किया जा रहा है। वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए, जैव मंडल नीचे बनाए गए, हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए ये सारा काम किए जा रहे हैं। सकरी घाटियों, झीलों और आर्द्रभूमि के संरक्षण, मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए, समझ रहे हैं, यदि उनको भंग न किया जाए, उनको समाप्त न किया जाए, तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दिया है। हमने क्या किया, हमने वनों को काट करके क्या किया है, अब जो प्राकृतिक आवास थे उसको हटा दिया है। पेड़ पशु पक्षी कहाँ जाके रहेंगे, तो आज हम अपने यहाँ देखें, आज अपने छत पे आप वेट करिए कि आपको कबूतर, कौवा, गौरैया कुछ भी दिख जाए, मैना कुछ भी दिख जाए, आप वेट करेंगे काफ़ी समय के बाद आपको इक्का दुक्का नज़र आएगा। एक ज़माना था कि बचपन में हमारे बहुत सारे होते थे, आज नहीं है। क्यों, हमने इनके आवास को समाप्त कर दिया है, तो ये रहने योग्य जगह ढूंढ रहे हैं और उस जगह को ढूंढने के लिए ये ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर इनके प्राकृतिक आवास हों, इसलिए यहाँ से पलायन कर गए हैं, ठीक है। तो अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार होने के कारण या तो यह लुप्त हो गए हैं या तो विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो उसके बारे में ध्यान दीजिए। और सभी का कर्तव्य बनता है प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, जैसे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक वन कैंपों में भेजा जाना चाहिए ताकि उनके अंदर एक उत्साह जागृत हो कि हम उन प्राणियों की रक्षा करें। बहुत से देशों ने कानून बना दिया है कि पक्षियों और पशुओं को मारना, उनका व्यापार करना गैरकानूनी है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर के मारने पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है, भयंकर सजा दी गई है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी जिसका नाम है CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इनडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, फौना एंड फ्लोरा के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है, की स्थापना की गई, जिससे प्राणियों की और पशु पक्षियों की जो जातियां हैं इनकी सूची तैयार किया जाए और उनकी रक्षा पर पहले विशेष बल दिया जाए, बाकी जो लुप्त होने की अवस्था पे हैं उन पर फोकस किया जाए। ये चीतल जानवर है, उसका झुंड है चीतल, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस सूची में दिए गए पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो कम है उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और पौधों और प्राणियों के संरक्षण प्रत्येक नागरिकों का जो है ये नैतिक कर्तव्य है। जैव मंडल नीचे क्या होता है, एक वैश्विक नेटवर्क के द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला होती है जिनसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया होता है। जैव मंडल नीचे, वहाँ मतलब अपने तरीके से हम जैव मंडल बनाते हैं, हालांकि जो जैव मंडल होता है ये प्रकृति प्रदत्त होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे जगह बनाते हैं जहाँ पशुओं को ये फील हो कि वाकई हम कहाँ पर रह रहे हैं, ये हमारे अपने प्राकृतिक आवास में ही रह रहे हैं। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यहाँ पर हाथियाँ हैं, ठीक है, कहाँ पर हैं, काजीरंगा, मानस, ये सब असम में पड़ता है, असम, ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान याद रखिए। क्या आप जानते हैं, जो अभी हमने ऊपर CITES की बात किया इसके बारे में जानते हैं, तो याद रखिए CITES जो है ये संकटाग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिपाटी है। विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो वन्य प्राणी और पौधे हैं इनके नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, मतलब उनको मारना बहुत ही दोषी। मोटे तौर पर पशुओं की 5,000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियों को संरक्षित किया गया है,
इनको हम नहीं मारना है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड, एलो, बहुत कुछ इसके उदाहरण हैं, ठीक है, आप इनको हटा नहीं सकते हो। तो दोस्तों आज के साथ इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं, और क्योंकि आप क्लास 8th में आ गए हो तो अभी क्लास 6th और 7th में जो पढ़े उससे थोड़ा सा डीप क्लासेस आपको यहाँ लेनी पड़ेंगी, ठीक है। और क्योंकि चैप्टर भी केवल 6 हैं तो इन 6 चैप्टरों में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब हम क्लास 9th में आएंगे तो हम भारत के भूगोल पर आ जाएंगे, सीधे के सीधे भारत के भूगोल पर आ जाएंगे। अभी जो चर्चाएँ हम क्लाइमेट के ऊपर कर रहे हैं, सीधे जब हम 9th में आएंगे दोस्तों तो हम फिर भारत के भूगोल पर चर्चा करेंगे और पूरा का पूरा भारत हमको समझ में आ जाएगा क्लास 9th-10th में, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, और अभी समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो इसलिए मैं इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। बहुत आसान आसान सा प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा, ओके। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया ये पढ़ने के लिए, ओके। और एक आवश्यक सूचना दोस्तों आपके लिए कि अगर आपके चैनल पे किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आएगा, किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आए तो प्लीज़ उसको आप पूरा देखा करिए, उस एडवर्टीजमेंट को आप स्किप मत करिए। सिर्फ एक निवेदन मैं बार बार कहता हूँ मित्र कि प्लीज़ देखा करिए, ये आप लोगों की सुविधा के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, या आप ही लोगों की सुविधा के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्टडी 91 के नाम से एक एप्लीकेशन बनाऊँ और उस एप्लीकेशन के माध्यम से मैं आपको जो PDF आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है, उस PDF को आपको प्रोवाइड करूँ। तो ये कैसे संभव हो पाएगा, मैंने बात कर लिया हूँ, लेकिन आप अगर ऐड को स्किप नहीं करोगे तभी तो थोड़ी अर्निंग होगी, तभी तो ये सारा काम हो सकता है, क्योंकि ऐसे PDF मैं कितने चैप्टर का PDF दूँ, कितना आपको PDF दूँ। ऐसे मैं सोच रहा हूँ आपको चैप्टर वाइज PDF बना दूँ, आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो फटाक से वो PDF आपके सामने आ जाए। नीचे आपके पास ऑप्शन हो PDF, इधर वीडियोस, ठीक है, आप फटाक से खोले अपना वीडियो देख लिए, फटाक से खोले अपना PDF देख लिए। यहाँ से एक ऑप्शन मिले आपके पास अपकमिंग वीडियो, जो आपके पास लेटेस्ट हो, या पॉपुलर वीडियो का यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। नीचे टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन आंसर कर सको। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, तो उस तरह का अगर एक प्लेटफॉर्म रहेगा तो आपको पढ़ने पढ़ाने में दोनों में मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा ये चीज़ है दोस्तों कि अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना हो और वन लाइनर GS की तैयारी करनी हो तो आप हमारे नए चैनल पर विजिट करिए, जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रेंड्स, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस यहाँ कराई जाती है। बाकी अगर मैथ और रीजनिंग आपको तैयार करना हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, इसका नाम है 4G मैथ्स। क्या नाम है? 4G मैथ्स। बहुत A1 ग्रेड का यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन कराए जाते हैं, एक बार आप विजिट तो करिए और क्वेश्चन करिए, ठीक है। और क्वेश्चन करने से पहले ये भी ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हो आपका तरीका क्या है, और इस चैनल पे जो पढ़ाया जा रहा है इनका तरीका क्या है। अगर दोनों में से आसान मिल रहा है तो आप फिर 4G मैथ पर रुकिए, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इससे आसान हो ही नहीं सकता मैथ, ठीक है। तो एक बार आप लोग विजिट करिए, ओके, और कोशिश करिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, ओके। थैंक यू सो मच।